ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो। आप आ सकते हैं वहां, तो मैं उम्मीद रखूं। उम्मीद यकीन रखिए। क्या बात है मुराद, आप अम्मी से भी घर छोड़ने की बातें कर रहे थे। घर मुझे छोड़ने के चक्करों में। ठीक है बेटा, रहना इस घर में, जिस मर्जी के साथ रहना रहो, मैं छोड़कर जा ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो कभी तो होगी पूरी, मैं मांगू दुआ जो। हाय मिनाल जी। मुराद आप अभी तक आए नहीं हैं। बस मैंने एक इन्फॉर्म के लिए कॉल किया कि अगर पेपर्स तैयार हैं तो आ जाता हूँ आपके पास। जी पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं, आप फौरन आ जाएं, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं बस पहुँच रहा हूँ आपके पास। ओके ग्रेट, सी यू देन। अरे अब तो इंतजार की घड़ियाँ खत्म। वालेकुम अस्सलाम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बेजाओ। कहाँ थे, आज ऑफिस भी नहीं आई? आज बिल्कुल भी मूड नहीं था ऑफिस जाने का। अस्सलाम वालेकुम तलहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, तुम तो दिन ब दिन क्यूट होते जा रहे हो। कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग करने गई थी, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ खाना खाया जाए। मैं अभी खाना बनाती हूँ, बैठो। तुम कब आई ऑफिस? मुझे देर हो गई थी, आज तुम आई भी नहीं थी और काम का लोड भी ज्यादा था। ओह, एक गिलास पानी दे देना। हाँ। मुराद पढ़ तो ले। कैसी बातें करी मुराद, भरोसा है आप पर मुकम्मल। और ये रही आपकी रकम, पूरे 4 करोड़ चाहे तो गिनी। मुझे भी भरोसा है, गिनने की जरूरत नहीं। मुबारक हो आपको, इसे खुशी में चाय नहीं पिलाएंगे? मुराद अब ये घर और इस घर की हर चीज आपकी मलकियत है। जो मेरे मुलाजिम थे मैंने उनको छुट्टी दे दी और मेरी आज रात की फ्लाइट थी, इसलिए अब जब मैं वापस आऊंगी ना तो चाय आप पिलाएंगे। चलो वादा रहा। Thank you and congratulations. Thank you very much. खाना बहुत टेस्टी बनाती हो तुम, बहुत जायका है तुम्हारे हाथों में। थैंक यू, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? इतना अच्छा खाना खिलाया तुमने, तारीफ तो बनती है। सॉरी मेरी वजह से तुम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया। हमारी कोशिश तो यही होती है कि 7 बजे तक डिनर कर लें, लेकिन ये तला है ना नॉटी बॉय, मामा अभी भूख नहीं का कह के 9 तो बज ही जाते हैं रोज। काफी देर से मैं आई हूँ, वो तुम्हारे मोहतरम नजर नहीं आ रहे। उनके आने का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं लेकिन मोस्टली देरी हो जाती है। अभी किसी डील में मसरूफ हैं तो पता नहीं आज आए भी या नहीं। अनम आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम इतनी मेहनत करती हो तलहा, कब तक
टेक केयर कि वो महरूम जिंदगी गुजारता रहेगा और अगले को अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं हो, उनकी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। सारा सारा दिन तुम काम करते हो और पूरी रात उनकी वापसी का इंतजार करती रहती, क्या फायदा ऐसी शादी का? ना वो तुम्हें अपनी फैमिली से मिल पाओ, ना वो तुम्हारे हकूक पूरे कर। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है शादी करके। अपनी बहनों की शादी तक का इंतजार करने का कहा है तो करना ही पड़ेगा सिद्रा, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। खैर तुम बताओ कैसे जाओगे, कोई आएगा लेने? नहीं, मैं कैब वाले को बुलाऊंगी, उसे भी आधा पौना घंटा लग ही जाएगा आने में। अरे अकेले कैसे जाओगे तुम, मैं ताला को उठाती हूँ, हम दोनों चलते हैं तुम्हें छोड़ने। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम दोनों मुझे छोड़ने जाओगे और फिर वापस तुम दोनों अकेले आओगे, मैं मैनेज कर लूंगी। Are you sure? Yeah, I'm sure. मत भेजो मुझ पे सलामती, मेरी सलामती चाहते ना तो इधर आके इतना तमाशा नहीं करते तुम। तमाशा? मैंने कोई तमाशा नहीं किया, तमाशा तुम्हारे खावन ने किया है। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। एक बहन को अपने भाई के खिलाफ करके तुम खुश हो रहे हो? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। खैर मजा बहुत आ रहा है, लोगों को पकड़ने वाले की अपने घर में पकड़ होना तो बहुत मजा आता है। ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिल जाएगा हारू? देखो मानो, मैंने तुमसे कह दिया है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया था। एक काम करो, तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है ना उसकी, तो कॉल कर लो उसको, शायद तुम्हारे कहने पर वापस आ जाए। कॉल की थी मैंने, रिसीव नहीं किया, नंबर भी बन जा रहा है। कर लेगा तुम्हारी कॉल, जब अय्याशियों से फुर्सत मिल जाएगी ना तब। वैसे भी ऐसे लोगों में गैरत नाम की चीज कम ही होती। चुप कर जाओ हारू, बस कर दो, जो मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। पता है तुम्हें अपने मियां के जाने का सदमा कुछ ज्यादा ही हो गया, उसे तो यह तक नहीं सोचा कि वो अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जा रहा है। एक काम क्यों नहीं करते, अपने मियाँ के नाम की तस्वीर पढ़ो और मन्नत मानो, शायद उस जैसे शैतान पर भी असर हो जाए। कभी सुकून का बादल भी बरसे मुझ पर। ऐसा क्या जानता है ये मुराद के बारे में? जा रहे हैं बस, वापस आने के लिए जाना तो पड़ेगा। एयरपोर्ट तक सी ऑफ कर दूं, इसी बारे कुछ पल साथ बिताने को मिल जाए। नहीं, आप आएंगे ना तो मैं जा नहीं सकूंगा। रुक नहीं सकते, कुछ ही दिनों में आपसे इतनी उनसियत होगी जब मैंने कभी किसी से। बाकी की पेमेंट लेने के लिए मैं खुद आऊंगी, रोक सके तो रोक ले, या फिर आप खुद ही क्यों नहीं अमेरिका शिफ्ट हो जाते? अमेरिका? मैं मैं तो हर चीज पे राजी हूं। मुझे बार बार फोन कॉल्स आ रहे हैं, ड्राइवर भी इंतजार कर रहा है। It's time for me to go. ठीक है, जाइए आप, लेकिन प्लीज ये बात याद रखना कि अगर वहां दिल ना लगे पलट कर जरूर देखिएगा, मुझ समेत हर चीज यहाँ आपकी मुंतजर होगी। आई थिंक मैं यही तजुर्बा करने जा रही हूँ कि आप मुझे ज्यादा याद करेंगे या मैं।
I really have to go now. Take care. Sir, take care. Rakhiye. Aap. I'll see you soon. Khuda hafiz. हर जगह देख लिया, एजेंसी भी गया था मैं। नहीं है मुराद भाई उधर, और एजेंसी पे तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ रह गया तुम लोगों का भाई। देख खुशी खुशी हम आए थे, आते ही मनुष्यत छा गई, सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं बता रही हूँ सारा कसूर उस मनुष्य आजादी का है। क्या जरूरत थी उसे हारून को बुलाने की और हमें इतनी जल्दी यासिर के घर से उठा लाने की? ना ही वो शहजादी की बच्ची हारून को बुलाती और ना ही मुराद भाई ये घर छोड़ के जाते। चुप हो गई तू, दिमाग चलने दे मेरा। जी दोबारा जाए एजेंसी में, एजेंसी देखने को नहीं कह रही। इर्द गिर्द जो पान के खोके और चाय के तो ढामे ना मजा के देख, मेरा बच्चा दोस्तों के साथ ना बैठा हो गई। अच्छा जाता हूँ। क्या हो गया, जाओ ना, खड़े क्यों? अरे बहुत रात हो गई है। हाँ तो खाने को कुछ नहीं है, तुम मुझे पैसे दे दो, कुछ लेता हुआ। मेरे पास एक रुपया नहीं है, यहाँ मेरा भाई घर से गायब है, तुम्हें खाने की पड़ी हुई है, चलो जाओ यहाँ से। अरे जाओ भाई। तू ढीठ है भैया, बहुत ही ढीठ है। अरे कहाँ रह गया मुराद? करोड़ों का मालिक हूँ मैं। अरे मिला ले जल्दी, उसको कहना कि अम्मा की तबीयत सख्त खराब है, जल्दी मिला मिला, मेरी भी बात कराना। जी आप। हाय मुराद, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें सब फोन कर रहे हैं? अभी अभी आपने कॉल की इसलिए मैंने रिसीव कर ली, कोई और करता ना तो मैं ना उठाता। मुझे पता था मेरा भाई मुझे इतनी मोहब्बत करता है, जरूर फोन उठाएगा मेरा। वो मुराद ने कह रही थी तुम वापस आ जाओ ना। देखो अम्मा, अम्मा इतनी परेशान है तुम्हारे लिए, उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतना रो रही है बेचारी। हाय अल्लाह, देखो रोते रोते बेहोश हो गई बेचारी। अबे यार, एक तो अम्मा के ड्रामे नहीं खत्म होते, अम्मा से कहो जब होश में आए ना उनसे कह देना कि मुराद अब आप सबसे बहुत दूर चला गया। कैसी बातें कर रहे हो तुम मुराद? तुम ऐसा करोगे हमारे साथ तो हम कहाँ जाएंगे? मुराद मेरी बात सुने आप, जिस घर में एक गैर की खातिर छोटी बहन मुंह को आ जाए ना, वहां रहने का मुझे कोई शौक नहीं। और वैसे भी अम्मा को तो अपनी बेटियों से गर्ज है ना, भूल जाएंगे मुझे। मेरी तो बात कराती ना, क्या कह रहा था? क्या बात कराती, साफ साफ उसने कह दिया वो वापस नहीं आ रहा है? उसने कह दिया कि आप फोन करने की भी जरूरत नहीं है, वो फोन उठाएगा ही नहीं। अरे ऐसा कैसा दिल सख्त हो गया मेरे बेटे का भाई, उसने आपसे बात ही नहीं करनी तो क्या बात कराऊं? झूठ बोल रही है, तो इतनी मोहब्बत करता मुझसे, दोबारा मिला मुझे दे, मुझे दे। अम्मा वो नहीं बात कर रही, मुझे तू मिला के दे मुझे, मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं आएगा वो। फायदे नहीं है फोन करने का, ये तो पहले से लो, ये तो टू टू हो गया। जाहिर है उसने कहा है जब फोन नहीं उठाएगा तो कैसे। अल्लाह क्या करें, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को। पर अब तो मैं करोड़ों का मालिक हूँ और उस हर चीज का मालिक हूँ जो मैंने हल की, जाल में फंस गए, वैसे यकीन है मुझे वापस आएगी। अरे ये तो बड़ी जल्दी वापस आ गई, और आज चीज ही ऐसी है। हेलो मिनाल जी। हेलो मुराद, I'm missing you. Miss you too, मिनाल जी। आपका मिस करना तो बनता है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सारी जिंदगी मुझे मिस करेंगे। वो तो करूंगा, और आप? मैं भी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैंने आपकी काबिलियत की इतनी तारीफ सुनी कि आप खड़े खड़े बंदे को बेच देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। मैं आपकी बात समझा नहीं मिनाल जी, आप तारीफ कर रही हैं मजाक कर रही हैं? वैसे
आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। And I have to be completely honest, अगर मेरी जगह कोई कच्ची खिलाड़ी होती ना तो वो फौरन आपकी बातों में आ जाती। आप कहना क्या चाह रही हैं? मनाल जी खुल के बात करें। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना वो जरा तहमुल से सुनिएगा। मुझे डर है कि सच सुनकर कहीं आपका दिल काम करना ही ना बंद कर दे। कहिए, सुन रहा हूँ मैं। मैंने आपकी लालची फितरत और अच्छा कमीशन मिलने की जल्दबाजी के बारे में सुना था जो मेरे बहुत काम आए। लेकिन आप इतने ज्यादा लालची होंगे कि खुद को ही दाव पे लगा देंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं। अमेजिंग। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना उसे जरा गौर से सुनिएगा। ये जो पेपर्स मैंने आपसे साइन करवाए थे ना ये बिल्कुल नकली थे, और ये साइन करवाकर 4 करोड़ रुपए मैंने आपसे ले लिए। लेकिन अफसोस आपके पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं। तुम ये समझ रहे थे ना कि तुम मुझसे खेल रहे हो, लेकिन असल खेल मैंने खेला। वैसे तो मैंने तुम्हें इतना कंगाल कर दिया है कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक बात तुम्हें बताना भूल ही गई, किसी ने ना पुलिस को मुखबिरी कर दी है और वो बस किसी वक्त भी पहुंचने वाली है। आई थॉट तुम्हारी वजह से मेरा इतना फायदा हुआ है तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है ना कि मैं तुम्हें इतला कर दूं। ओके मुराद, हैव अ गुड लाइफ, हैव फन, बाय। मिनाल जी, हेलो। खा के जाए वो रात को ढूंढने। आ रही हूँ ना, अब तेरे लिए थोड़ी बना रही हो। लो तू सो। चक्कर तो मुझे भी आ रहा है भूख से। खाओ ना अम्मा। तो खा ले पहले। ये लो। क्या ले? बोटियां तो ले ली सारी। ये है ना बोटियां, ये देखो सारी चावल ही गिरा दिए मैंने। ये लो खा। और भी डाल दे थोड़ा। दे रही हूँ अम्मा, रुक तो जा। चक्कर आ रहे। अरे जल्दी ठूस ले, मुझे भी डाल दो। खुद लो। अरे खा रहा हूँ यार, चला जाऊंगा, 2 मिनट में क्या हो जाएगा। जल्दी खाओ शोएब। अच्छा ही होता उधर ही खा लेते, कम से कम अच्छा खाना तो मिलता। पता नहीं क्या मुसीबत ही थी। मुराद किधर है? लोगों के खाने की नहीं खत्म हो रही। अरे बहुत जल्दी जाके उसे लेकर आओ। नहीं खा रहा भाई। हाँ, मत खा जाऊंगा जब मुराद भाई मिल जाएंगे। हाँ यही करना। ठीक है, ठूसी जा रहा है, ठूसी जा रहा है। सारी बोटियां तो खा गया। तू ले ले, चल ले ये। सब खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सब खैरियत है, तुम बताओ? वहाँ तो सब ठीक है ना? बहुत दिल घबरा रहा था तुमसे बात करने के लिए। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। सही बताओ, सब खैरियत है ना? अम्मा ये हारून के साथ क्या मसला है? क्यों, क्या हुआ? अम्मी मुराद को हारून का इस घर में आना पसंद नहीं है, बल्कि वो तो इस रिश्ते से भी खुश नहीं। लेकिन ये हारून ना मुराद को चढ़ाने के लिए इस घर में मौजूद होता है। आज हारून आया था तो मुराद ने उसको यहाँ से जाने को कहा, शहजादी ने मुराद के साथ बदतमीजी कर लिया और अब मुराद ये घर छोड़कर चले गए। वैसे इसमें गलती तुम्हारे ससुराल वालों की भी है। तुम
तुमने देखा था मंगनी पे मुराद ने कितना तमाशा किया था? तुम शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रही थी। वो तो शुक्र करो कि हारून ने बात संभाल ली। और वैसे भी इन सब चीजों में अमल दखल तुम्हारी ससुराल वालों का भी है, वरना शहजादी क्यों इस तरह अपने भाई के साथ लड़ती? अम्मी, हारून को इस पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली थी जो मेरा सुकून चैन बर्बाद करने के लिए उसने इसी घर की लड़की चुनी है। हाँ, हारून की इस बात पे तो मैं भी बहुत हैरान हूँ कि आखिर उसे लड़कियों की कोई कमी तो नहीं थी, फिर उसने यहाँ पे क्यों मंगनी की? मुराद का बताकर तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया है। हो सकता है वो अपने दोस्तों में गया हुआ हो, आ जाएगा। हाँ, ढूंढ तो रहे हैं उन्हें, शुएब भाई भी गए हैं देखने। अच्छा, वो जब घर वापस आ जाए तो मुझे उसकी इतला दे देना, और देखो परेशान मत होना, अपनी तबीयत मत खराब करना, ख्याल रखना अपना। इंशाल्लाह वो घर आ जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जाने जिंदगी है मुझको किस राह पे लाई। सलाम। वालेकुम सलाम। वैसे तो रोजाना तुम लेट आते हो, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। कहाँ रह गए थे? ऐसे ही बस कुछ दोस्तों की तरफ था। खाना गर्म कर दो। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों, कहीं से खा कर आ रहे हो? खाकर तो नहीं आया, लेकिन भूख नहीं है। खैर, वो बाबा कहाँ? तुम्हारे बाबा शाम से अपने दोस्त के घर गए हैं। आधा घंटा पहले कॉल की थी तो कहा था कि मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वैसे तुम दोनों बाप बेटे के क्या मजे हैं, जब दिल चाहता है मुंह उठाकर चले जाते हो कहीं भी। अकेली घर पे तो मैं रहती हूँ ना, सदफ होती थी तो मजा आता था, ध्यान बटा रहता था। उसने भी सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म कर दिए। हाय अल्लाह, बस जल्दी से मेरे घर बहू आ जाए, फिर देखना मैं खुश रहूंगी। इतनी खुशफहमी ना पाले, ऐसा ना हो कि आपकी उसके साथ बने ही ना। क्यों? हमारे यहाँ सास और बहू की कहाँ बनती? औरों की नहीं होती होगी। मेरी छटियस कहती कि शहजादी और मेरी बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, देख लेंगे। क्या हुआ? मुराद हॉस्पिटल चलो। उठो, चलो आप उठो मुराद, हिम्मत करो, चलो शाबाश उठो। अब जरूरी हो गया है कि तुम्हारे सामने सच लाया जाए, तुम्हें मुराद का असल चेहरा दिखाया जाए। लेकिन नहीं, डरता हूं कि असलियत जानकर तुम खुद के साथ कुछ ऐसा ना कर लो कि कुछ बड़ा नुकसान उठाना पड़े। लेकिन चाहे दुख हो या परेशानी, तुम्हारे सामने सच लाऊंगा जरूर। आराम से देख के। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
यार चादर डाल दो प्लीज मुझ पे कोई एक चादर से कुछ नहीं होगा तो इतनी आपके दोनों प्लीज ये दरवाजा बंद रखना मुझे कोई आवाज ना आए खाना लाऊं आपके लिए नहीं बस तो अब अम्मा की कॉल आ रही है आपके बारे में पूछने के लिए कॉल कर रही हूँ मैं बात करके आती हूँ करो बात बता दो एक लड़की उल्लू बना दी मुराद को पूरी दुनिया को बता दो अस्सलाम वालेकुम अम्मा मानूर बेटा मुराद की कोई खैर खबर मिली जी अम्मा शुएब भाई अपने साथ लाए हैं चलो अल्लाह का शुक्र है कि वो खैर खैरियत से लौट आया अब तुम भी दो नफल शुक्राने के पढ़ना फिक्र कम क्या होगी अम्मा बल्कि और बढ़ गई है अल्लाह खैर करे क्या हो गया मुराद की एक बंगले की डील चल रही थी तो उन्होंने जमीनें और प्रॉपर्टी बेचकर 4 करोड़ रुपए उस लड़की को दे दिए और वो लड़की फ्रॉड निकली सारे पैसे लेके भाग गई है अल्लाह खैर करे अब क्या होगा बस अम्मा घर में तो सब बहुत परेशान है और मुराद मुराद की तबीयत भी बहुत खराब है जाहिर है 4 करोड़ कोई मामूली रकम तो नहीं होती ना इंसान को तो हार्ट अटैक ही हो जाए जी ये तो सही कह रही हैं आप फिर मैं ऐसे करती हूँ मैं कल अफसोस करने आती हूँ हादसे का इस वक्त तो बहुत रात हो गई है वरना तुम्हारे ससुराल वाले कहेंगे कि मैके से कोई पूछने भी नहीं आया इतना बड़ा हादसा हो गया ठीक है अम्मा जैसा आप ठीक समझो बस बेटा तुम अपना ख्याल करना फिर मैं कल आऊंगी तुम्हारे पास मैं तो दुआ कर रही हूँ आप भी दुआ कीजिएगा हाँ मैं भी दुआ करूंगी तुम्हारे लिए कि अल्लाह मियां इस मुश्किल से आसानी पैदा करे बस तुम अपना ख्याल रखना ठीक है अम्मा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह जी अल्लाह कीड़े पड़े कीड़े उसके जिसने मेरे बच्चे के 4 करोड़ ये रकम होती कितनी है हजम करने को कितने सिफर होते हैं इसमें मुझे क्या पता अम्मा 10वीं में तो स्कूल से निकाल दिया था तुमने मुझे ए मुराद भाई इतनी बड़ी रकम कैसे वापस करे भैया हमें क्या पता जैसे गवाए वैसे वापस लाएगा ये उसी को पता उसी के दबाव में कुछ खुलबली चल रही होगी कि कैसे करने हमें नहीं पता भैया हमें नहीं पता मैं तो सो ही जा इस मारा नहुसत इतनी है ना इस घर में अरे 4 करोड़ बस अम्मा बस बार बार ना माँ निकाल लेगा मुराद को ही हल इसका अच्छा अम्मा आप ही की तरफ से कोई खबर आई हाँ मानूर से बात हुई थी सोच रही हूँ उसके ससुराल चक्कर लगा लूँ बता रही थी कि मुराद को बहुत सदमा पहुँचा है रकम भी तो कोई मामूली नहीं थी सदमा तो लगेगा आप चक्कर लगा लीजिएगा वहाँ पे तुम चलोगी नहीं अम्मा मेरा बिल्कुल दिल नहीं है मुझे वो लोग अच्छे भी नहीं लगते सुबह स्कूल भी है तो आप अकेली चली जाइएगा लेकिन अगर आप कहती हैं तो मैं साथ चलूँगी ठीक है मैं अकेली चली जाऊंगी जब तुम स्कूल गई भी होगी तो ठीक है फिर आप हारून भाई को बुला लीजिएगा हारून को जहमत देने की क्या जरूरत है वैसे भी भाभी बेगम को पता चलेगा कि मैं मानूर के ससुराल उसे लेके गई हूँ तो बात का पतंगड़ बना लेगी जैसा आपको मुनासिब लगे वैसे हारून भाई लोगों को इस बारे में पता होगा हो सकता है उसे ये इत्तला मिल चुकी हो खैर तुम्हें उसे फोन करके बता देना मैं जब तक इशा की नमाज पढ़ लेती हूँ और महानूर और मुराद के लिए दुआ भी कर लूंगी ठीक है जी कौन मैं हूँ फहद फहद
यहाँ क्यों आए हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा मेरी बात तो सुनो, बैठ कर आराम से बात करते हैं। गेट लॉस्ट। देख लूंगा तुम्हें। कभी तो टाइम पर फोन उठा लिया करे। कॉल करिएगा, रात की तबीयत ठीक नहीं हो, आराम करिए। बार बार कॉल आ रही थी तो उठा लिया मैंने। इतनी रात को बशीर प्लंबर क्यों कॉल कर रहा है? मुझे कौन किस वक्त कॉल करेगा, तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? या तुम्हें बहुत शौक है मेरे दोस्त से बात करने का? कैसी बातें कर रहे हो मुराद? मुझे क्या लेना देना बशीर प्लंबर से? अच्छा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ खाने को लाऊं? कुछ चाहिए आपको? सुकून चाहिए मुझे, मिलेगा? वालेकुम अस्सलाम जी। कल रात आप ड्यूटी पर थे? जी मैं यहीं पे था, क्यों कोई बात हो गई? नहीं, कल रात को कोई फ्लैट की बेल बजा रहा था, मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अगर आप ड्यूटी पर थे तो यकीनन कोई बिल्डिंग का ही फर्द होगा। आपको आवाज नहीं आई थी? नहीं मैंने तो कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी, अगर आप शोर करती तो मैं आ जाता। नहीं नहीं, अगर कोई बिल्डिंग का फर्द है तो आपके आने से पहले ही भाग जाएगा, ऐसे में किसी का नाम भी नहीं ले सकते, लोग यकीन नहीं करेंगे। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिएगा, तो कोई ऐसा हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आ जाया करूंगा। जी ठीक है, आप नंबर बताएं अपना। जी शुक्रिया। लेकिन भी आप अकेली रहती है, लेकिन सब बिल्डिंग वाले को लोगों को पता है, कोशिश किया करें रात को साफ आ जाया करें, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। जी ठीक है। हेलो,
कहाँ हैं आप मुराद? और ये फोन क्यों बंद हो जाता है आपका? रात को भी मैंने फोन किया था तो। घर पर हो? जी मुराद, मैं इस वक्त घर पर ही होती हूँ। ऑफिस जा रही हो क्या? बस तैयारी करने जा रही थी। आज मत जाओ प्लीज। यार, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ना। मेरी हालत बहुत खराब है। तुम्हारे साथ बात गुजारना है। क्या हुआ है मुराद? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपकी आवाज भी खराब लग रही है। बस आकर बताऊंगा यार, इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारे सहारे की जरूरत है। चले, नहीं जाती ऑफिस, ऑफ कर रही हूँ मैं, वेट कर रही हूँ आपका। ठीक है, आ रहा हूँ। नाश्ता नहीं करके आइएगा, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। बहुत बुरा हुआ मुराद के साथ। 4 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती, उन्हें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए थी यार। कोई फायदा नहीं है, पुलिस के पास जाने से भी खामखा उनको अलग-अलग खर्चा पानी देना पड़ेगा। वैसे भी उसके पास कोई सबूत तो है नहीं। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुराद जैसा घाक बंदा एक लड़की से धोखा खा जाए। तौबा, इंसान लालच में मार अक्सर खा जाता है। आप ये भी तो देखें कि उसने डील किसके साथ की। अपनी ही कोई कमजोरी आ गई होगी सामने। तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? किसी पे कोई शक है तुम्हें? जिस इंसान ने सारी जिंदगी हराम खाया और लोगों के साथ फ्रॉड ही किया, इसके अलावा और क्या उस पर यकीन इंसान का? ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसकी बहन से मंगनी भी करवा ली और अब शादी भी हो जाएगी। अब्बा, मेरी तो सिर्फ मंगेतर है और मुराद मेरा सिर्फ साला। आप ये सोचिए कि मानूर का क्या बनेगा? और ये सारी इत्तला तुम्हें किसने दी? मुझे तो महर ने दी है। महर को चची जान ने बताया और चची जान को शायद मानूर ने कहा होगा। हाँ, लेकिन मुझे शहजादी ने भी कॉल की थी। क्या कहते हैं हारिस, ताज़ियत करने तो जाना चाहिए। हाँ यार, जाना तो चाहिए, ठीक कह रही हो। दुख सुख में ही अपनों का पता चलता है। हारून, तुम मुझे उनके घर ड्रॉप कर देना कोई 11 बजे के करीब। I'm sorry, लेकिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं जा सकूंगा। एक दिन अगर ऑफिस देर से जाओगे तो ऑफिस बंद नहीं होगा। यार, उसे ऑफिस जाना है, अगर कहो तो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। आप क्या करेंगे वहाँ औरतों के बीच में? शाम को भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम रात को देर से आते हो चची जान के घर से। माँ ने एक काम, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी, रिक्शे में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा। आप नाश्ता खत्म करें। ठीक है भाई, जब उसको कोई एतराज नहीं है तो मैं बीच में है नहीं, बोल रहा हूँ। जाने